नमस्ते सदावस्त चले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अमेरिका को ये लगता है कि भारत रूस के बिना कुछ नहीं कर सकता है। जी हाँ, अमेरिका की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि रूस के हथियारों के बिना बेदम हो जाएगी भारतीय सेना। दरअसल इस साल के आखिरी तक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है रशिया से, और इस अत्याधुनिक सिस्टम के मिलने से भारत की हवाई प्रणाली बेहद दुरुस्त हो जाएगी। वहीं अमेरिका के काटसा का प्रतिबंध भारत के ऊपर मंडरा रहा है। हालांकि अमेरिका में भारत का सपोर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत पर बैन ना लगाया जाए। हालांकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत की रूसी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता कम हो रही है, यानी कि उसमें गिरावट आई है। लेकिन भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि निकट भविष्य में भारत की रूस की हथियार प्रणाली पर निर्भरता बनी रहेगी। ये रिपोर्ट बाइडेन प्रशासन के उस महत्वपूर्ण फैसले के बाद आई है जिसमें बाइडेन प्रशासन को भारत की रूसी सैन्य हथियार की खरीद को सीमित करना होगा। सीआरएस स्वतंत्र विषयों के विशेषज्ञ के जरिए विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर रिपोर्ट तैयार करता है, और उसी ने ये कहा है कि भारत की रूस पर निर्भरता बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में एक ग्राफिक के जरिए दिखाया जा रहा है कि 2015 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में रूस से उपकरणों के आयात में लगातार गिरावट आई है। अपनी रिपोर्ट में सीआरएस ने कहा है कि 2016 से चल रही रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली S-400 खरीदने की भारत की योजना पर अमेरिका काटसा की धारा 231 के तहत रोक भी लगा सकता है। इस कानून के तहत अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों से रूस से किसी प्रकार से सैन्य लेन देन को तत्काल रोकने का आग्रह करता है, और ऐसा न करने पर अमेरिका इन देशों पर प्रतिबंध लगा देता है। सीआरएस ने कहा है कि हाल की मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिला है कि भारत S-400 को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी पहली आपूर्ति 2021 में ही निर्धारित है और 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अगस्त 2021 में रूसी अधिकारियों ने बताया कि S-400 की आपूर्ति 2021 के अंत से शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से रूस सभी भारतीय हथियारों के लगभग 2/3 यानी कि 62% आयात का स्रोत रहा है, और भारत सबसे बड़ा रूसी हथियार आयातक रहा है, जिसमें कि रशियन हथियारों के निर्यात के लगभग 1/3 यानी कि 32% हिस्सेदारी है। सीआरएस की रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि द मिलिट्री बैलेंस 2021 के अनुसार भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूस निर्मित या रूसी डिजाइन किए गए उपकरणों का भारी भंडार है। साथ ही नौसेना के 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर में से 4 रूसी कमीशन वर्ग के हैं, और भारत के 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार वर्ग के हैं। नौसेना की एकमात्र परमाणु संचालित पनडुब्बी रूस से पट्टे पर ली गई है, और सेवा में मौजूद 14 अन्य पनडुब्बियों में से 8 रशियन हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की अभी भी रूस पर निर्भरता है हथियारों को लेकर, लेकिन अमेरिका के अंदर ये खलबली भी मची हुई है कि भारत के पास S-400 आने वाला है और वो चाहते हुए भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यही नहीं, बाइडेन प्रशासन के 2 सांसदों ने कहा कि भारत पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए अगर वो S-400 भी खरीद रहा है। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि चाइना अब दोनों का दुश्मन है, भारत का भी और अमेरिका का भी, और ऐसे में अमेरिका भारत को प्रतिबंध चाहते हुए इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि बेहद ज़रूरी है चाइना के अगर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भारत में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रणाली उनको तबाह कर देगी। तो इससे फ़ायदा इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को भी होगा। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।